नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के डिजिटल मंच पर। मैं हूं आपके साथ आशीष। भारत सहित राजस्थान के सराफा बाजार में कीमती धातु जैसे आभूषण, सोना और चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन प्रदेश में सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं दामों में आई बढ़त के बाद सोना 55,000 के पार तो चांदी 72,000 के पार कारोबार कर रहा है। ऐसे में अगर आप आज सोना और चांदी में निवेश या खरीदने का मन बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको अधिक दाम खर्च करने पड़ सकते हैं। वही मंगलवार की रात सोना 418 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 55,581 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी दिन सोमवार को सोना 296 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 55,163 रुपए प्रति 10 ग्राम के। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5,00,000 कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को चांदी 878 रुपए महंगी होकर 68,927 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी 257 रुपए प्रति किलो की दर से चढ़कर 68,349 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। वहीं सराफा बाजार के जानकारों की माने तो खरमास के बाद यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ वेडिंग सीजन में अभी काफी समय बचे हुए। ऐसे में आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही जानकारों का कहना है कि जल्द ही नए साल में 2023 में सोने के भाव अपने उच्चतम स्तर के पास या फिर पार भी पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5,00,000 कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।